Hello friends and viewers, my name is Gurpreet Kaur. I am your IAS trainer. How are you? I am absolutely good and I think you are also fine. Today we are going to talk regarding the prepositions of agent and instrument. Instruments te agents te naal kede kede prepositions lagdi hain unhan upar discuss karange. A jehdiyan use kitiyan jandiyan agent waliyan preposition hamesha apa कोई चीज़ किसी चीज़ नू कॉज करती है जिमें कोई चीज़ किसी का कारण है उत्थे आपां यूज़ करते हैं जिमें हो गया रिलेशनशिप शो करन दे लई नाउन ते नाउन जिहड़ा कि बंदा कोई काम कर लिया है ते एक्शन दे विच जिमें बाय बाय आपां यूज़ करते द्वारा दे लई आपां हमेशा यूज़ करते पैसिव टेंसेस दे विच द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटिड बाय मी एंड माई फ्रेंड ठीक है प्रोजेक्ट मैं ते मेरी फ्रेंड ने कंप्लीट किया सी A lot of noise is made by children. Children की हम बहुत ज़्यादा noise करते हैं. Rules are implemented by government. Rules government implement करती है. या फिर आप ये कह सकते हैं A book was written by famous writer. एक कपा by लिखते हैं proximity शो करने के लिए vicinity दे विच शो करने लिए. Vicinity या proximity होती है. भी कोई चीज़ किसी के कोल आ उन्हों शो करन दे लिए आप यूज़ करते हैं कैन आई सिट बाय यू मैं तुहाडे कोल बैठ सकते हैं द स्कूल इज़ बाय द बैंक स्कूल बैंक दे कोल आ फिर आप पर्टिकुलर परपस दे लई कोई एक्शन कर रहे हैं उहदे विच यूज़ करते हैं बाय नू आई विश्ड हर बर्थडे बाय सेंडिंग अ केक मैं उन्हों केक सेंड करके उहदा बर्थडे विश किया पीपल कैन पास एग्जाम बाय प्रिपेयरिंग फॉर दिस जो वह प्रिपेयर करेंगे दे कैन पास देयर एग्जामीनेशनस किसी मैथड या मेन कोई जरिया किसी द्वारा जिमें इंस्ट्रूमेंट आप गल कर लें आई केम हेयर बाय बस मैं इतने बस नाल आई दिस ऑर्डर वॉज डिलीवर्ड बाय स्पीड पोस्ट जिहड़ा मैं कोई ऑर्डर किया ऑनलाइन वह मैनू की है डिलीवरी वो हुई स्पीड पोस्ट के नाल मैनू डिलीवर किया गया फिर विद हुंदा है विद भी प्रपोजिशन आप एजेंट के लिए यूज़ करते हैं टूगैदर और बीइंग विद मतलब किसी के नाल उदो आप यूज़ करते हैं आई परचेज्ड मैचिंग ज्वैलरी विद ड्रैस मतलब कि है मैं अपनी ड्रैस के नाल नाल जिहड़ी मैचिंग ज्वैलरी सी वह भी परचेज की आई वेंट टू सिनेमा विद माई फ्रेंड्स मैं अपने फ्रेंड्स के नाल सिनेमा गई हैविंग कोई चीज़ मेरे को हैगी आप यूज़ कर सकते हैं पीपल विद अलॉट ऑफ मनी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी जिन्हों को बहुत ज़्यादा पैसा होंगे वह भी इन्ने खुश नहीं होंगे हमेशा शी इज़ ब्यूटिफुल विद लोंग हेयरस वो की है बहुत ज़्यादा सुंदर आदि क्योंकि व्डे व्डे वाल आप ये भी कह सकते हैं पीपल कैन परचेज अलॉट ऑफ पोजैशनज विद मनी ठीक है वह कर सकते हैं विद पैसे दे नाल कर सकते हैं पीपल कैन ट्रैवल विद देयर रैलेटिवस और फ्रेंड्स ये लिख सकते हैं फिर आप विद एक यूज़ किया जाता जिथे आप यूजिंग लिखना हो कोई चीज़ किसी के द्वारा आपम किया कोई उत्थे बाय यूजिंग समथिंग चिल्ड्रन स्टार्ट राइटिंग विद पेंसिल वो की है चिल्ड्रन हमेशा राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं पेंसिल दे नाल आई डेकोरेटिड माई रूम विद पिक्चर्स ऑफ फैमिली मैं अपने रूम में सजाया होया मेरी फैमिली दी पिक्चर्स दे नाल कि उत्थे मैं अपनी फैमिली दी पिक्चर सारिया हैंग कीती हुई अपने रूम दे सारिया वॉल्स दे उत्ते ते ओ सोहना लगता है इंडिकेट फीलिंग फीलिंग दसन दे लई आपां कोई उत्थे विद नू यूज़ किया जाता ही टॉक्ड विद एवरीबडी विद कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दे नाल ओ बोलता है ठीक है ये फीलिंग है एक आई एम सेइंग दिस विद फुल ऑफ हैप्पीनैस मैं किसी नू कुछ दस रही हाँ मैं कुछ कोई गुड न्यूज़ है मेरे को उन्होंने मैं दस रही हूँ तो वह मैं कहूँगी आई एम सेइंग दिस विद फुल ऑफ हैप्पीनैस एग्रीमेंट दसना हो मैं अंडरस्टैंड किया किसी चीज़ को वो बारे दसना होते विद प्रपोजिशन यूज़ की जाती है आई एम विद यू मैं थोड़े नाल जिमें भी वट एवर द सरकमस्टांसिज विल बी आई एम विद यू जिमें मर्जी सरकमस्टांसिज हो मैं हमेशा थोड़े नाल पीपल आर डिसएग्री विद गवर्नमेंट लोग की है डिसएग्री है गवर्नमेंट के नाल किसी कोई चीज़ को लेके कह सकते हैं विद रिगार्डिंग द रूल्स रिगार्डिंग द न्यू फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट वो बारे की डिसएग्री है गया
फिर उस तो बाद विदआउट होंदा, विदआउट भी प्रपोजिशन आप एजेंट के नाल ही यूज़ करते हैं, जिमें कोई चीज़ नहीं होंगी अपने को, नॉट हैविंग और एक्सपीरियंसिंग और शोइंग समथिंग, जिहड़ी अपने को कोई चीज़ नहीं हैगी उहदे बारे गल करते हैं आप, जिमें आई रीच्ड हेयर विदआउट डिफिकल्टी, मैं इत्थे पहुँच गया मैनु कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैनु, कि मैं बहुत आसानी नाल इत्थे पहुँच गया। पीपल ट्रैवल्ड विदआउट फूड, लोग की है ट्रैवल किया लोगों ने फूड तो बिना ही, बगैर वो ट्रैवल किया। नॉट इन कंपनी ऑफ समबडी, किसी के नाल नहीं होना, जिमें कि डू नॉट गो विदआउट मी, मेरे बिना नहीं जाना तुसी, बिकॉज यू डू नॉट नो रिगार्डिंग द पाथ, रिगार्डिंग द प्लेसिस ऑफ दिस एरिया, सो प्लीज़ ट्राई टू गो विद मी। नॉट यूजिंग और टेकिंग समथिंग, कोई चीज़ नहीं ली अपने वो बारे आप गल कर सकते हैं। आई कैनॉट सी प्रॉपरली विदआउट माई ग्लासिस, विदआउट माई स्पैक्स, मैं अपनी स्पैक्स तो बिना मैं चंगे तरीके नहीं देख सकती। पीपल आर अनएबल टू लिसन विदआउट ईयरफोन्स, पीपल की है सुन नहीं सकते, जिमें कोई भी आप गलबात सुननी है वो की है वह सुन नहीं सकते, अनएबल या मतलब नॉट एबल या विदआउट ईयरफोन्स, हैडफोन्स जिहड़े हुंदे उन्होंने बिना प्रॉपरली सुन नहीं सकती। जे आप कह दिए भी कोई एक्शन तुहानू कहा गया सी वो नहीं किया, उत्थे भी आप यूज़ कर सकते हैं इनू, जिमें कि चिल्ड्रन गो इनसाइड विदआउट विशिंग एवरीबडी, वो कि अंदर चले गए जाते भी आ विदआउट विशिंग एनी एवरीबडी, जो भी उन्होंने घर कोई आता, दे डू नॉट से हैलो टू दोज परसन एंड गो इनसाइड देयर रूम्स। The surprise party was organized without letting her know about it. ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਫੋਰਮਿੰਗ ਹਰ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਏ, ਦੁਆਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਿਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ ਉਹਨੂੰ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਗਿਵਿੰਗ ਮੀ ਅ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਗਾਈਜ਼।